प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंदवा चैनपुर से आप सभी तमाम नवम वर्ग के एवं दसम वर्ग के बच्चों के लिए आज लेकर उपस्थित हूँ संस्कृत व्याकरण से सामासिक शब्द समास। पहला मेरा यह सूत्र हुआ सामासिक शब्दों को याद करें। तो प्रिय बच्चे, पहला हमारा है पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव समास। प्रिय बच्चे, समास को आप जो है हिंदी में भी पढ़े होंगे, अगर सही सलामत अगर हिंदी में समास आपको याद है तो आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छा याद होगा, आज अच्छा समझ में भी आएगा। और हिंदी व्याकरण से समास आपको कम अगर समझ में है, नहीं याद है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन देर सही दुरुस्त सही आप समझने की कोशिश कीजिए। जो बीत गई सो बात गई, अगर पहले से आप समास नहीं याद किए हैं तो आज समझिए हिंदी व्याकरण में भी इसी तरीके से आपको चुनना होगा और संस्कृत व्याकरण में भी इसी तरीके से चुनना होगा। समास दोनों में एक ही जैसे है, अर्थ समझिए, परिभाषा समझिए, आपको आंसर चुनने के लिए रहता है, अब लिखने के लिए नहीं होता। चार ऑप्शन में से एक रंगने के लिए होता है, तो आपको अगर याद होगा तो हिंदी में भी रंग देंगे, संस्कृत में भी आपको रंग देंगे, एक से ही आपको दोनों में काम चलेगा। तो पहला मेरा है पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव समास। हिंदी में आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चे, जिस सामासिक शब्द का पहला पद जो है प्रधान हो उसे हम पूर्वकालिक जो है पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव समास कहते हैं, और उस हिंदी में सीधे उसको अव्यय भाव समास कहते हैं। तो यहां अव्यय भाव समास में आपको पूर्व पद प्रधान रहता है जिसका अव्यय होता है पहला पद, जैसे आपको यथा कालम, यह इसका पहला पद जो है प्रधान है। अगर कालम मीन्स होता है समय, उसकी यथाशक्ति आपको यथाशक्ति, शक्ति में होता है ताकत, इच्छा, जितनी आपको इच्छा हो उतना दीजिए, यथाशक्ति का होता है यथाशक्ति अपनी ताकत भर, जो ही आपको ताकत हो जो ही इच्छा हो, यथा कालम में होता है जो ही समय देना हो वही समझिए। यानी पहला पद ही इसका मुख है, इसको अगर काट लिया जाए यथा को तो शक्ति का कोई खास अर्थ नहीं होता, यथा को काट लिया जाए तो काल का कोई अर्थ खास अर्थ नहीं होता। इसलिए प्रिय बच्चे, यथा कालम यथा शक्ति में पूर्व पद प्रधान है, इसलिए इसको अव्यय भाव समास के नाम से जाना जाता है। अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास। प्यारे बच्चे, आप हिंदी में पढ़े होंगे, जिस सामासिक शब्द का विग्रह करने पर समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्राप्त कर ले तो ऐसे शब्द को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, यानी लंबा हो जिसका उदर। पीतांबर, पीला हो जिसका वस्त्र, हिंदी में पढ़े होंगे, वही आज आपको संस्कृत में बन जाता है अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास। अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास जिसका अन्य पद प्रधान हो जाए बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे आपको लंबोदर या लंबोदरम, तो इसका हम लोग विग्रह करते हैं, विग्रह करना भी एक नंबर का रहता है, तो इसमें हम विग्रह करते हैं तो लंबम उदरम यस्य सः, ये हो गया इसका सामासिक शब्द। सामासिक शब्द यह हुआ विग्रह हुआ, और सामासिक शब्द लंबोदर हुआ, सबको मिलाकर एक शब्द करते हैं तो वह सामासिक शब्द हो जाता है, समस्त पद हो जाता है, और इसको जब विग्रह करते हैं तोड़ते हैं तो वह जो है विग्रह हो जाता है। तो लंबोदर के अगर विग्रह करने के लिए पूछेगा तो लंबम उदर यस्य सः, जिसका लंबा हो पेट उसे कहते हैं लंबोदर, यानी गणेश जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं गणेश जी,
गणेश जी को हम लोग लंबोदर के नाम से जानते हैं। पीतम अम्बरम यश जिसकी कपड़ा पीला हो, हिंदी में जो जानते हैं ठीक उसी को संस्कृत में तोड़ना बिगड़ा, एकार्थक अनेकार्थक, एकार्थक शब्द हुआ समस्त पद और जो है अनेकार्थक शब्द हुआ उसका बिगड़ा। तो हम हिंदी और संस्कृत को दोनों को एक साथ ले चलेंगे क्योंकि संस्कृत से ही जो है हिंदी बना है, इसीलिए संस्कृत को तो जो है जननी कहा जाता है, भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, जिस सामासिक शब्द का पहला पद जो है प्रधान ना होकर बाद वाला पद प्रधान हो उत्तर पद प्रधान कहलाता है। उत्तर मींस होता है बाद वाला, प्यारे बच्चे उत्तर मींस होता है बाद वाला, जिस सामासिक शब्द का बाद वाला पद प्रधान हो उसको हम लोग कहते हैं जो है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। जैसे ग्राम गत कृष्णाश्रित, यानी कृष्ण पर आश्रित, आश्रित यहां प्रधान शब्द हो जाता है। ग्राम गत गांव से गया, यहां गत जो है प्रधान है, इसलिए ग्राम गत कृष्णाश्रित ये उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष के उदाहरण होगा क्योंकि यह बाद वाला पद प्रधान होता है। तो ठीक हिंदी के अनुसार संस्कृत होगा, संस्कृत से ही हिंदी होगा। इस तरह से प्यारे बच्चे मैं बार बार कर रहा हूं कि आप अनुवाद बनाना सीखे, जो कई बार सीडी में बतला चुके हैं, और संस्कृत आपको बहुत जानकारी हम दे चुके हैं, सबको बारी बारी से पढ़िए, एक दूसरे में सबको मदद मिलेगा। और आगे देखिए समान अधिकरणम कर्मधारय समास, आप पढ़े हुएगा जिसका जिस सामासिक शब्द का हिंदी में पढ़ होइएगा, जिस सामासिक शब्द का जो है पहला पद उप या उपमय हो उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। किसी को समाधिकरण यहां लिखा हुआ है उपमनानी समान नहीं बचना है, ये भी कर्मधारय समास का ही है, ये भी कर्मधारय समास में ही है। जैसे महाकवि, महाकवि महापुरुष, महापुरुष इस तरह से जो भी आता है जिसका जो है ना पहला पद जो है उपमेय या उपमान हो उसको हम लोग कहते हैं। जैसे घन श्यामा, इसमें घन श्यामा, इसमें जो भी है श्याम का उपमा बतलाने वाला जो है ये है, तो यह महाकवि महा जो है पुरुष घनश्यामा ये सभी कर्मधारय समास में आता है। प्यारे बच्चे समाहार द्विगु समास, समाहार द्विगु समास, प्रिय बच्चे हिंदी में आप पढ़े होंगे जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास कहते हैं। तो यही है आपको संख्या पूर्व द्विगु समास या समाहार द्विगु समास, दो शब्द को जोड़ते हैं जिसका पहला पद संख्या में हो। जैसे पंचपात्रम, पंचपात्रम सप्त सती, इस तरह से आपको ये संख्या में है। त्रिभुवनम, त्रि भुवनम, इस तरह से दोनों में समाहार द्विगु में द्विगु समास है, संख्या पूर्व द्विगु में ये सभी ऐसे शब्द है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। तो प्रिय बच्चे जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो हिंदी के अनुसार उसको द्विगु समास कहते हैं, संस्कृत में उसी को समाहार द्विगु समास और संख्या पूर्व द्विगु समास, यानी जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास के नाम से जानते हैं। अगला मेरा है चारथे द्वंद, चारथे द्वंद द्वंद समास का है हिंदी में। प्यारे बच्चे आप पढ़े होंगे कि द्वंद समास उस सामासिक शब्द को कहते हैं जिसका दोनों पद दोनों खंड जो है समान अर्थ में हो, दोनों खंड
प्रधान हो उसे द्वंद समास कहते हैं। जैसे आपको कृष्णा अर्जुन, कृष्णा अर्जुन गौरी शंकरा, गौरी शंकरा, गौरी और शंकर, कृष्ण और अर्जुन, इस तरह से जो भी शब्द आता है जो जोड़ा होता है माता पिता तब पितृ उसको कहते हैं। तो या जो भी शब्द आता है जैसे कृष्णा अर्जुन गौरी शंकर, ऐसे जो भी शब्द आते हैं प्यारे बच्चे वो सभी द्वंद समास के होता है। हिंदी में भी वही होता है कि द्वंद समास किसे कहते हैं, तो जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद समास कहते हैं। ठीक उसी द्वंद समास को प्यारे बच्चे संस्कृत में कहा जाता है चार्थे द्वंद। नर समास, नर समास में प्यारे बच्चे हिंदी में भी आप जानते होंगे कि जिस समासिक शब्द का पहला अक्षर नकारात्मक हो, न के अर्थ में हो, उसको हम लोग नर समास कहते हैं। जैसे अनाथ, तो ही यहां अनाथ हो जाएगा, अनाथ अजन्मा का पुरुष, इस तरह से जो भी शब्द आता है प्यारे बच्चे वो सभी जो है नर समास में आता है। इस तरह से प्यारे बच्चे आपने आज समासिक शब्द संस्कृत में पढ़ा, हिंदी में भी लगभग आपको हम बतला ही चुके, हिंदी में भी जो समास होता है वही संस्कृत में भी होता है और संस्कृत से ही हिंदी बनता है। इसलिए प्यारे बच्चे समास हिंदी में आपको अगर सही सलामत याद है, पहला तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद समास, नर समास, इस तरह से सभी समास आपको अगर हिंदी में याद है तो संस्कृत में भी आसानी से याद होगा, और संस्कृत में आसानी से अगर याद है तो हिंदी में भी आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इससे पहले मैंने विभक्ति सूत्र पढ़ाया था, आज समासिक सूत्र हुआ, इसको हम लोग समासिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में इसको समास कहते हैं, संस्कृत में इसी को समासिक सूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। तो प्यारे बच्चे आज मैंने आप सभी नवम एवं दसम विद्यार्थियों के लिए सामासिक सूत्र पढ़ाया, इससे पहले विभक्ति सूत्र पढ़ा चुके हैं। इन्हीं सब सूत्रों के आधार पर अनुवाद बनता है, संस्कृत से हिंदी में उसका अर्थ लगाता है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनता है। तो प्यारे बच्चे यदि आपको यह जो है पढ़ाई अच्छी लग रही हो और यह लिंक आपको चाहिए और हमेशा आपको यह सीडी चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और हमारी चैनल को मदद करें ताकि यह चैनल हमेशा आपकी मदद करता रहे। जय हिंद।